जी गुड मॉर्निंग डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ था इस साल में और आगे अभी जो वर्तमान जो चल रहा है एफ वाई ट्वेंटी थ्री के लिए भी तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहेगा डोमेस्टिक में बिकॉज हम लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है बल्क सीमेंट इन नॉर्मल कंटेनर्स ये अभी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलने का है बिकॉज इट इज़ अर्जन प्रोडक्ट एंड दिस अ मार्केट अवेलेबल टू टैप

तो यहाँ पर कितना और स्केल देखने को मिलेगा इन द कमिंग कितनी कैपेसिटी हैंडलिंग uh, आप इधर बढ़ाना चाहेंगे बेसिकली सॉरी uh, आप थोड़ा इसको रिपीट करें क्वेश्चन ये uh, जो कौन सा सेगमेंट बात रहा है बल्क सीमेंट हैंडलिंग की जो आप बात कह रहे थे जो नया सेगमेंट आपने कहा इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी कैपेसिटी कितनी और बढ़ाना चाहेंगे इन द कमिंग इयर्स ऐसा है बल्क सीमेंट हम लोग डोमेस्टिक सेगमेंट में करते हैं बल्क सीमेंट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट सो बल्क सीमेंट में मार्केट अगले तीन साल में जो पॉजिबिलिटी है बढ़ाने का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अभी इसको हम इस ऐसा अंदाजा से देखते हैं एज ऑफ नाउ हम लोग डोमेस्टिक में करीब दस बारह मिलियन टन टनेज का हिसाब से बारह मिलियन टन लोड करते हैं तो ये बल्क सीमेंट में एक,

और क्या गोइंग फॉरवर्ड रेट्स में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है क्या आउटलुक दे पाएंगे नहीं रियलाइजेशन जो डोमेस्टिक में अभी आज जो चल रहा है तो मोरालेस इन टैंडम इसी रियलाइजेशन मिलेगा बल्क सीमेंट में भी और आगे जाके इसमें थोड़ा इन्फ्लेशन और इंक्रीज मिलेगा अदरवाइज ज़्यादा कुछ इमीडिएट इंक्रीज वैसा सब्सटैंशियल इंक्रीज इन the margins uh, for tu we will not expect because the, our aim is to get more market share, more volumes and steady growth, not to make quick money on the existing volumes. and whereas in exim also we made some uh, uh, price changes and definitely that is going to give us more profit this year, uh, the profit. डेफिनेट देक्रीज इन दी प्रजेंट करेंट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो एफ आई ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में हम लोग का मार्जिन्स बड़ा है और ओवरऑल मार्जिनस इंक्रीज ओवर द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर ऑल्सो वी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज लिटल बेट मोर अवर मार्जिन्स दैट नॉट नॉ दैट कम्स इन बोथ वेज एक तो प्राइस इंक्रीज थोड़ा बहुत है दूसरा हम लोग ऑपरेशनल एफिशेंसी लाते रहते हैं हम लोग काफ़ी कुछ डिजिटाइज कर रहा है इसका वजह से भी हम लोग का मार्जिन इंक्रीज हो गया सर uh, so मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी ब, ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मार्केट है वहाँ पर स्थिति कितनी और बेहतर होते हो, होने के आसार है बिकॉज आई वॉज रीडिंग द नॉमरा रिपोर्ट एंड उन्होंने यही कहा कि डोमेस्टिक में स्केल देखने को मिल सकता है लेकिन लार्जली इट्स दी एग्जिम पार्ट देट्स गुड अर्न मनी फॉर यू आपका क्या इन्फ्लुंस है और क्या अंडरस्टैंडिंग है ऑन ग्राउंड ऐसा है एग्जिम में देखिए दो चीज़ काम करता है एक तो एग्जिम इज़ डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम्स आउट ऑफ इंडिया वी गट गुड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ है एग्जिम बॉक्सेस अवेलेबिलिटी का दिक्कत हुए है लास्ट ईयर में तो हम लोग काफ़ी कुछ स्कीम्स लेके आया है शिपिंग लाइन को इंक्रेज करने के लिए एग्जिम बॉक्सिस को इंटरलैंड में लाने के लिए इट वर्कड आउट वेरी वेल सो दो स्कीम्स हम लोग इस साल के लिए भी कंटिन्यू कर रहे हैं पूरा साल भर के लिए हम लोग अनाउंस कर दिया हम लोग स्कीम कंटिन्यू करेंगे इसके इन एडिशन टू दैट हम लोग कुछ वी स्कीम्स भी अनाउंस किया टू मेक मोर बॉक्सेस टू कम इंड इंटरल अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस एंड द एक्सपोर्टर्स विल गेट बेनिफिटेड द अदर एस्पेक्ट इज गोइंग टू ब्रिंग इन मोर वॉल्यूम इज द डी एफ सी नाउ डी एफ सी स्टार्ट ऑपरेशनल लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम अभी डी में मूव हो रहा है हम लोग का डबल स्टैक रनिंग भी बढ़ गया हम लोग डबल हफ ऑपरेशन शुरू किया है एल हम लोग सिर्फ एक सिंगल कटवास हब ऑपरेट करते थे अभी हम लोग कटवास के अलावा स्वरूपगंज भी एक हब शुरू किया डबल हफ ऑपरेशन शुरू कर दिया डी में तो हम लोग को देखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ वॉल्यूम रोड से रेल में शिफ्ट हो रहा है और ये आगे जाके और भी होगा ये बिकॉज द रनिंग टाइम्स और कम डाउन there is more uh, certainty in the operational uh, transit times so with the transit time coming down ye jo market hai rail share badhega road se rail mein shift hoga okay and hum log koi naya wagons le aaya hai jiska capacity bada hai iska pehle hum log capacity का जो होता था 68 tons का carrying capacity, अब लोग अभी लेके आए अस्सी ton carrying capacity वाला wagons। करीब सत्ताईस रेक ऑलरेडी ऑपरेशनल में है सो so ये अस्सी टन का ये कैरिंग कैपेसिटी से ये हो जाता है डबल स्टैकिंग का अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाता है जिसमें मार्जिन अच्छा मिलेगा सो so ये सब फैक्टर्स विल इंक्रीज द मार्केट शेयर इन एग्जिम आल्सो एंड एज डोमेस्टिक एसिड मार्केट इज अवेलेबल वी हैव टू टैप द मार्केट सो दोनों तरफ से हम लोग तो वी आर सीइंग गुड ग्रोथ इन द कमिंग नेक्स्ट थ्री ईयर्स

इसको प्रोवाइड किया उसमें पूरा पेमेंट भी नहीं हुआ देर इज सम प्रोविजन इन दैट एंड दिस इज़ अ गुड गवर्नेंस वी डोंट वांट टू गिव अननेसरी शॉक्स बिकॉज यू नो एक तो चीज़ है ये कंपनी डेवलपमेंट में है एंड आवर बैलेंस शीट इज़ अ वेरी क्लीन बैलेंस शीट कभी कोई हम लोग को कोई रिमार्क्स क्वालिफिकेशन uh, होता नहीं बैलेंस शीट में तो हम लोग कुछ इसमें प्रोवाइड किया हुआ है फॉर द लैंड लाइसेंस भी सो देर इज अ क्लियर क्लैरिटी ऑफ लैंड लाइसेंस भी चार्जेबल now there are some positive moves going on and that will be definitely beneficial for the company now they are, they are under consideration and very soon i think government will take a decision jesa government desh